अगले दिन शिखा थ्रोइंग डेटी का इस्तेमाल करके अपचाय को लड़ाई के दौरान खुद को संभालने की ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है, लेकिन अपचाय उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। हालांकि वो एक डेटी को बख्शने में कामयाब हो जाता है। खुद में इतना सुधार देखकर अपचाय पगलाने लगता है और सोचता है कि अब उसने खुद पर इतना काबू पा लिया है कि वो केनिची को मुथाई की टेक्निक सिखा सकता है। स्कूल में रैग्नारॉक ग्रुप के कुछ मेंबर केनिची की क्लास में घुस जाते हैं और उसके ठिकाने के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर उसके क्लासमेट बताते हैं कि वो हमेशा लंच के वक्त गायब हो जाता है। गैंग लीडर को लगता है कि उसके क्लासमेट उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उन्हें धमकाने लगता है, जिसे डर कर लड़का तुरंत बता देता है कि केनिची अक्सर फुरिंजी के साथ घूमता है और फिर अपने आप गायब हो जाता है। लीडर उस लड़के को छोड़ देता है और सीधा लॉकर के पास जाकर पूरे कॉन्फिडेंस से उसे पटक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि केनिची जरूर उसी के अंदर बैठा होगा, लेकिन उसमें सिर्फ उसे एक टोटके वाली गुड़िया मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि केनिची उसकी गैंग को हरा देगा। ये पढ़कर उनका एक मेंबर टकीटा पागलों की तरह हंसने लगता है, क्योंकि उनके लीडर ने इतने कॉन्फिडेंस से लॉकर पटका था जैसे ही केनिची असल में उसी के अंदर बैठा हो। ये सब चल ही रहा था कि इस दौरान केनिची छत पर फुरिंजी के साथ होता है और उस टोटके वाली गुड़िया को ढूंढ रहा होता है जो अपचाय ने उसे गुंडों से बचाने के लिए दी थी। जैसे उन्हें लग रहा था कि उन्हें छिपने के लिए एकदम बढ़िया जगह मिल गई है कि तभी फुरिंजी देखती है कि कोई छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो तुरंत उसे लात मारती है, लेकिन देखती है कि वो निजीमा है और उसे फौरन माफ़ी मांगती है। केनिची उसे देखकर नाराज हो जाता है क्योंकि वो फुरिंजी के साथ उसका कीमती समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन निजीमा उसे बताता है कि रैग्नारॉक गैंग को उसका ठिकाना ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसका मतलब उसे जल्द ही नई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। निजीमा उसे ये भी कहता है कि उसने केनिची के ठिकाने की गलत जगह बताकर कुछ पैसे कमाने का भी प्लान बनाया है। केनिची उसकी बातों से परेशान होकर फुरिंजी के साथ वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन निजीमा उसे एक बहुत खुफिया जानकारी देने का वादा करता है। हालांकि वो उसका खुलासा तभी करेगा जब केनिची उसके गंदे जूते चाट कर भीख मांगे। थोड़ी देर खींचातानी के बाद निजीमा उसे बताता है कि युकिता को उसकी लड़ाई करने की आदत की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था और उसके पास खुद का एक स्पेशल मूव शोल्डर थ्रो है जिसके इस्तेमाल से वो हर बार जीत जाता है। निजीमा उसे ये भी बताता है कि युकिता ने केनिची से ज्यादा मुकाबले किए हैं, इसलिए केनिची का उसके साथ मुकाबला ना होना ही बेहतर होगा। केनिची की हालत तो तब टाइट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि तकीता पहले एक अमेचर बॉक्सर भी रह चुका है, और ये सुनकर वो वहां से दुमदगाकर भाग जाता है। जब केनिची डोजो पहुंचता है तो देखता है कि सभी मास्टर बहुत ध्यान से एक गेम खेल रहे हैं। सकाकी उसे समझाता है कि वो गेम ये फैसला करने के लिए खेल रहे हैं कि केनिची को नई टेक्निक कौन सिखाएगा, और जिसमें अपचाय गेम को आसानी से जीत लेता है। केनिची घबराने लगता है क्योंकि वो एक बॉक्सर के खिलाफ लड़ने जा रहा था, लेकिन अपचाय और सकाकी उसे दिलासा देते हैं कि वो उसे मुथाई की एक ऐसी टेक्निक सिखा देंगे जिससे वो काफी कम समय में एक बॉक्सर को हरा देगा। हालांकि मुथाई की कला जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन अपचाय उसे केनिची को सिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। उनका पहला लेसन गार्ड सीखना और एक अच्छा स्टैंस बनाना है। अपचाय उसे बेसिक मूव टी सुक सिखाता है जिसमें एल्बो और नी मूवमेंट का इस्तेमाल होता है। अकसीम केनिची को चेतावनी देते हुए बताता है कि एक गलत मूव उसके अपोनेंट की जान भी ले सकता है, इसलिए उसे ध्यान से सीखना होगा, और ये सुनकर केनिची का मन मुथाई सीखने से हट जाता है। दादाजी उसे बताते हैं कि मुथाई की जानकारी होने से वो बदमाशों से कमजोर लोगों की मदद कर सकता है, और जब तक उसका दिल साफ रहेगा वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस दौरान रैग्नारॉक गैंग के मेंबर्स के बीच थोड़ी गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि तकीता केनिची के बारे में पता लगाने में बहुत समय लगा रहा था। एक लीडर तकीता से तंग आ चुका था कि तभी वो बताते हैं कि उन्होंने केनिची के ठिकाने का पता लगा लिया है। अब तक केनिची मुथाई के बेसिक मूव की प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसलिए अपचाय उसे बोलता है कि अब मुक्केबाजी सीखने का समय आ गया है, लेकिन केनिची अपचाय की खुद की ताकत को ना संभाल पाने की वजह से थोड़ा चिंता में होता है, इसलिए वो अपचाय से बचते वक्त धोखे से फुरिंजी को मार देता है। ये देखकर अपचाय दुखी हो जाता है और उसे लगने लगता है कि खुद को संभालने की उसकी पूरी ट्रेनिंग बर्बाद हो गई। केनिची फिर भी रिस्क लेकर अपना पहला हमला करता है, जिसके बाद अपचाय की बारी आती है, और जैसे ही अपचाय पहला मुक्का मारता है तब केनिची को 5 सेकंड के लिए स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं। बाद में सकाकी अपचाय को पार्क में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है, जहां अपचाय उन्हें बता रहा होता है कि उससे गलती हो गई है जिस वजह से वो उदास है। सकाकी देखता है कि बच्चे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर में वो मुस्कुरा देता है। डोजो में केनिची अपनी ट्रेनिंग के अगले फेज को लेकर बहुत जोश में होता है, तो वहीं फुरिंजी को इस बात का डर था कि अपचाय से मुकाबले के दौरान सिर पर चोट लगने की वजह से शायद केनिची की पिछली याददाश्त मिट गई है, इसलिए वो फौरन अकसेम को इसके बारे में बताती है, जिस पर अकसेम बोलता है कि फिलहाल के लिए केनिची अगर वो सब भूल ही जाए तो ही सही है। दूसरी तरफ सकाकी अपचाय को दादाजी के साथ खुद को संभालने की ट्रेनिंग करते हुए देखकर खुश होता है, लेकिन जल्द ही अपचाय को अपने जानलेवा मुक्कों के बारे में याद आ जाता है और वो घबराने लगता है। तभी दादाजी उसे बताते हैं कि केनिची के साथ वो उसी तरह से लड़े जैसे वो पार्क में छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। इधर केनिची अभी तक पहली फाइट को भूला हुआ होता है और अपचाय के साथ मुकाबला करने के लिए बेताब होता है। बीच में शिगर उसे एक हेलमेट ऑफर करती है ताकि वो भारी चोट से बच सके, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, ये सोचते हुए कि आज सबको हो क्या गया है। अपचाय उसे वादा करता है कि वो इस बार संभल के लड़ेगा, और तभी केनिची को लगने लगता है कि शायद ये पहले भी एक बार हो चुका है। ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सकाकी को लगता है कि क्या दादाजी की सिखाई हुई कोई भी चीज़ उसे याद रहेगी, जिस पर दादाजी उसे बताते हैं कि अपचाय सिर्फ असली मुकाबलों में इतना ज़्यादा बेरहम होता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, इसलिए वो खुद को संभाल लेगा। सकाकी इस बात पर हामी भरते हुए बोलता है कि अपचाय से ज़्यादा लापरवाह आदमी उसने आज तक नहीं देखा। ट्रेनिंग जारी रहती है और अब मुक्का मारने की बारी अपचाय की थी, और अपचाय उसे एक जोरदार मुक्का मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे दादाजी के कहे हुए शब्द याद आ जाते हैं और वो केनिची को एक बच्चे की तरह देखने लगता है, जिसके बाद वो इतना हल्का मुक्का मारता है कि केनिची बस जरा सा डगमगाता है। सभी लोग हैरान और बहुत खुश हो जाते हैं कि अपचाय के मुक्के से केनिची को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद खुशी खुशी में अपचाय केनिची को एक जोरदार किक मार देता है जिससे केनिची दीवार में जाकर भिड़ जाता है। अगले दिन तकीता और युकिता केनिची के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं ताकि केनिची के वहां आते ही वो उसे धर दबोचे, लेकिन किस्मत से केनिची उस दिन आता ही नहीं है।
अब जब वो एक महीने से रिंग लीडर के सामने केनिची को नहीं ला पाए, इसलिए हो सकता है कि वो रैग्नारोक ग्रुप में अपनी जगह को खो बैठे, जिस वजह से तकीता को एक प्लान सूझता है जिसे वो मिशन इम्पॉसिबल का नाम देता है। ट्रेनिंग के वक्त फुरिंजी केनिची के साथ प्रैक्टिस करने को बोलती है, लेकिन केनिची उसे बताता है कि एक लड़की पर हाथ उठाना उसके उसूलों के खिलाफ है। ये सुनकर सकागी केनिची को ताने मारते हुए बताता है कि अगर वो फुरिंजी को मारेगा तब भी उसके मुक्कों का उस पर कुछ असर नहीं होगा, और ये भी कि फिलहाल फुरिंजी उसके लिए एक परफेक्ट अपोनेंट है क्योंकि डोजो के सभी मास्टर उससे बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर हैं। फुरिंजी केनिची के अच्छे बर्ताव के बारे में सोचती है, लेकिन अचानक से उस पर हमला कर देती है और अच्छे से उसकी धुनाई कर देती है। दादाजी ये देखते हैं और केनिची से बोलते हैं कि अच्छे बर्ताव का मतलब ये नहीं है कि वो खुद की धुनाई होने दे, और ये भी बिल्कुल गलत है कि जब फुरिंजी सच में उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए उसके साथ लड़ रही है तो उसे भी उसके साथ खुलकर लड़ाई करनी चाहिए। केनिची कुछ देर पीटने के बाद फुरिंजी से असल में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी उससे हार जाता है जबकि फुरिंजी उसके साथ आराम से लड़ रही थी। बाद में वो चाय पीते हैं और केनिची ये देखकर थोड़ा शर्माने लगता है कि वो दोनों कमरे में अकेले हैं। फुरिंजी देखती है कि केनिची अजीब बर्ताव कर रहा है, इसलिए वो टॉपिक बदल देती है, लेकिन पलक झपकते ही निजीमा एक बार फिर अचानक से वहाँ प्रकट हो जाता है और केनिची का बना बनाया सीन बिगाड़ देता है। निजीमा बताता है कि उसके पास तकीता के बारे में कुछ जानकारी है। पता चलता है कि तकीता इतना अच्छा फाइटर है कि उसने अपने स्पेशल बॉक्सिंग मूव इलूसिव लेफ्ट की मदद से एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट तक जीत रखा है। उस मूव में वो अपने बाएं हाथ से अपोनेंट के सिर पर अचानक से सीधा मुक्का मारता है, जिसके बाद अपोनेंट पूरी तरह से सहम जाता है और पुराना सब कुछ भूल जाता है। ये सुनकर केनिची बोलता है कि शायद जल्द ही अब उसका स्वर्ग जाने का समय आने वाला है। स्कूल में केनिची की क्लास के दो बेशरम लड़के फुरिंजी को डेट पर ले जाने का प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि वो बोलेंगे कि वो केनिची के खास दोस्त हैं। बदकिस्मती से तभी उकिता वहाँ आ जाता है और उन्हें केनिची का खास दोस्त समझकर अपने साथ चलने को कहता है। क्लास के बीच केनिची जब पढ़ने के लिए किताब खोलता है तो उसमें उसे एक नोट मिलता है जिसमें उकिता उसके दो दोस्तों को मारने की धमकी दे रहा होता है। शुरुआत में तो केनिची शोज में पड़ जाता है कि उसके पास तो खाली दो दोस्त हैं, फुरिंजी और शायद निजीमा, और वो दोनों क्लास में ही बैठे हैं कि तभी टीचर बोलती है कि शिनियामा और टाकाया आज एबसेंट हैं। ये सुनकर केनिची सब समझ जाता है, लेकिन वो दोनों उसके लिए दोस्त से ज़्यादा दुश्मन थे, इसलिए वो उनको उनके हाल पर छोड़ने का फैसला करता है। छत पर केनिची के नकली दोस्तों को युकिता बांध देता है और सब कुछ तकीता के प्लान के मुताबिक हो रहा होता है, लेकिन तभी उनके प्लान पर पानी फेरते हुए एक लड़का बोलता है कि वो उसके दोस्त नहीं है बल्कि असल में इसका बिल्कुल उल्टा है। उनका इतना समय बर्बाद करने की वजह से युकिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी धुनाई करने का फैसला करता है कि तभी उन्हें उन दोनों को छोड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देख करके केनिची एबसेंट है, फुरिंजी को उसकी चिंता होने लगती है। युकिता केनिची को आखिरकार देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना कोई बातचीत किए सीधा उसे खत्म करने के लिए अपने स्पेशल मूव शोल्डर थ्रो का इस्तेमाल करता है, लेकिन युकिता को चकमा देते हुए केनिची उसके सभी हमलों से बच जाता है। युकिता बहुत गुस्सा हो जाता है और दौड़ते हुए केनिची को एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो केनिची के नज़दीक आता है तब केनिची काओ लाई टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके मुंह पर अपना घुटना दे मारता है। केनिची का ये मूव इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि युकिता वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर तकीता का जोश जाग जाता है और वो एक चौक और स्टॉप वॉच निकाल लेता है। चौक से वो एक स्क्वायर बनाता है और फिर चौक को अपने हाथों से चूरन बना देता है, जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तकीता केनिची को बताता है कि वो एक बॉक्सर रह चुका है, इसलिए वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल नहीं करेगा और सिर्फ दाएं हाथ से लड़ेगा। केनिची को रिंग पर बुलाने के बाद वो स्टॉप वॉच को शुरू कर देता है और एक एक करके तेजी से दाएं बाएं झूमने लगता है। वो केनिची से बोलता है कि उसे उसको नॉकडाउन करना होगा और अगर वो एक ही राउंड में 3 बार नॉकडाउन हो गया तो वो मैच हार जाएगा। केनिची रिंग पर आते ही उस पर अपनी मुथाई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तकीदा उसे बचते हुए केनिची के मुंह पर 3 बार लगातार बहुत तेजी से मुक्के जड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। केनिची समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो उठने की हिम्मत जुटा लेता है। केनिची उसे लात और मुक्के मारता है, लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले तकीदा उसके सभी हमलों से बच जाता है, लेकिन तकीदा को मारने की जगह मिल जाती है। वो केनिची पर फिर से बहुत तेजी से 3 मुक्के जड़ देता है। केनिची के मुंह से खून आने लगता है और वो एक ही राउंड में 2री बार गिर जाता है। ये सोचते हुए कि वो तकीदा से लड़ने के लायक नहीं है और जब वो अपनी पूरी उम्मीद हार चुका था कि तभी उसे एक थाईलैंड नाम की किक याद आती है, जो कि असल में एक लो किक है और खासकर बॉक्सर के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही वो उठता है फौरन तकीदा की शिन पर अपनी लात मार देता है और दोबारा से उसे एक और लो किक मारकर घायल कर देता है। इससे तकीदा को पता चल जाता है कि केनिची को कराटे से भी ज़्यादा और कुछ आता है और उसके पैर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अपनी आखिरी किक के साथ केनिची उसके घुटनों को घायल कर देता है और वो गिर जाता है, लेकिन बिना समय बर्बाद किए फौरन उठ जाता है। तकीदा चोट के चलते अपनी तेजी खो देता है, जिसका फायदा उठाते हुए केनिची उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे पर अपना घुटना मारने जा रहा होता है तभी टाइमर स्टॉप हो जाता है और वो दोनों रुक जाते हैं। तकीदा का घुटना बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी कमजोरी केनिची को नहीं दिखाता और सोचता है कि केनिची असल में कैसा लड़का होगा। तो वहीं केनिची सोचता है कि तकीदा जैसे टैलेंटेड प्लेयर ने बॉक्सिंग क्यों छोड़ी होगी। दोजो में अपचाई को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो केनिची की सुरक्षा के लिए अपनी वूडू डॉल पर टोटका करता है। इस बीच केनिची और तकीदा का ब्रेक जारी रहता है। केनिची खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए आखिरकार वो पूछ ही लेता है कि उसने बॉक्सिंग क्यों छोड़ी। तकीदा यह सुनकर दंग रह जाता है और केनिची को चेतावनी देते हुए बोलता है कि अगर उसे अपने दोस्त नहीं खोने तो उसे उनके सेंसिटिव मैटर्स के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तकीदा अपनी कहानी बताना शुरू करता है। ये सब तब चालू हुआ था जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शुरुआती दिनों में बॉक्सिंग किया करता था। हालांकि एक दिन उसके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ कि तकीदा को बीच में आना पड़ा, इसके बावजूद कि अगले दिन उसका मैच था। जैसे ही तकीदा की कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी, उनका रेस्ट का समय खत्म हो जाता है। केनिची लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो तकीदा से उसकी कहानी पूरी करने को बोलता है, लेकिन तकीदा पहले उसकी तरफ दौड़ चुका था। केनिची बार बार अपनी लो किक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तकीदा उसके हमलों से बच जाता है और मौका पाते ही तेजी से केनिची के मुंह और पेट पर मुक्का मार देता है।
इस वक्त केनिची को कुछ याद आ जाता है जो एपचाई ने उसे ट्रेनिंग के दौरान बताया था, जिसकी मदद से केनिची उसके हमलों से बचने में कामयाब हो जाता है। मुकाबले के बीच में ही केनिची तकीरा से उसकी कहानी जारी रखने को कहता है और तकीरा वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसने छोड़ा था। जिस वक्त उसे पता चला था कि उसका दोस्त मुसीबत में है, वो बिना कुछ सोचे उसे बचाने चला गया और दोनों ने मिलकर बदमाशों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन मारपीट में टकीरा के बाएं हाथ में चोट लग गई, जिस वजह से वो अगले दिन का मैच नहीं खेल पाया और उसने उसके बाद से कोई भी मैच नहीं खेला क्योंकि उसका हाथ कभी भी पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुआ। लेकिन उसका दोस्त कई सारे टूर्नामेंट जीतता गया और धीरे धीरे समय के साथ उसे भूल गया। टकीरा के बर्ताव में बुरा बदलाव आने की वजह सिर्फ उसका दोस्त है जो मशहूर होने के बाद उसे पूरी तरह से भूल गया, ये जानने के बावजूद कि टकीरा की इंजरी की वजह और कोई नहीं बल्कि वही है। तकीदा बोलता है कि अब उसका मकसद अपने एक्सपीरियंस से केनिची जैसे नादान लड़कों को समझाना है कि दोस्ती और कुछ नहीं बल्कि एक भ्रम है। यहाँ तक कि जिन लड़कों को वो बचाने आया था वो कब का उसे अकेला छोड़कर भाग चुके हैं। केनिची पूरी तरह से थक चुका था और लगभग उससे हार चुका था, लेकिन फिर भी वो तकीदा की बात से सहमत नहीं था। केनिची बोलता है कि वो उन दो लड़कों के लिए नहीं आया था जो उसे छोड़ गए, बल्कि वो इसलिए आया था क्योंकि ये पता होने के बावजूद कि वो उन्हें बचा सकता है वो उन्हें दर्द में कैसे छोड़ देता। इस बीच केनिची मौका पाते ही अपनी स्पेशल नी किक का इस्तेमाल करके तकीदा के चेहरे पर अपना घुटना मार देता है और तकीदा को नेट के बाहर फेंक देता है। लेकिन किसी चमत्कार के चलते केनिची तकीदा को नीचे गिरकर मरने से बचा लेता है। इस दौरान फुरिंजी क्लास में बैठी सोच रही होती है कि केनिची वापस आने में इतनी देरी क्यों लगा रहा है कि तभी एक पेपर प्लेन की वजह से उसका ध्यान खिड़की के बाहर जाता है और वो केनिची के सहारे तकीदा को लटका हुआ देखती है। फुरिंजी फौरन टीचर से बहाना बनाकर केनिची को बचाने चली जाती है। केनिची को उसे खींचने में दिक्कत हो रही थी इसलिए वो उसे अपना बायां हाथ देने को बोलता है, लेकिन बदकिस्मती से उस पुरानी मारपीट की बात से वो अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वो केनिची से उसे छोड़ने को बोलता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाएगा और उसे बचाने के चक्कर में खुद भी गिर जाएगा। केनिची अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है और आखिर में युकिता अचानक से होश में आ जाता है और दोनों को गिरने से बचा लेता है। जैसे ही युकिता उन्हें ऊपर खींचता है और केनिची को जमीन पर फेंक देता है तभी फुरिंजी वहां आ जाती है और केनिची को उस हालत में देखकर आग बबूला हो जाती है, जिसके बाद वो तकीदा और युकिता दोनों का कचूमर बना देती है। बाद में वो उन्हें अकेसेम के पास ले जाती है जो उनकी चोटों पर मरहम लगाता है और तकीदा फुरिंजी की ताकत और स्किल्स की तारीफ करता है। जब अकेसेम तकीदा से उसके बाएं हाथ के बारे में पूछता है तो वो हैरान हो जाता है कि अभी तक उसने उसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया। इसके बाद अकेसेम उसके हाथ को दबाता है जिससे तकीदा को बहुत जोर का दर्द होता है। अकेसेम बताता है कि उसकी हाथ की एक नस दबी हुई थी जिस वजह से वो अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जैसे ही तकीदा अकेसेम का हाथ खुद पर से हटाता है वो गौर करता है कि वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर पा रहा है। अकेसेम उसे यह भी बताता है कि वो अपनी बॉक्सिंग में दोबारा से लौट सकता है, लेकिन उससे पहले उसे उसकी बोन सेटिंग थेरेपी जो कि बहुत दर्दनाक है 700 बार लेनी पड़ेगी। जब केनिची घर वापस आता है तो वो डिब्बा आसानी से खोल देता है जिसे उसके पापा घंटों से खोलने की कोशिश कर रहे थे और अपने बेटे की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उसके पापा को उस पर गर्व होता है। केनिची बिस्तर पर लेटकर रोमांस के ऊपर सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ रहा होता है और उसे समझ आता है कि उसे कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी पड़ेगी जिसे वो फुरिंजी को डेट पर चलने के लिए पूछ सके, लेकिन उससे डेट के लिए पूछना काफ़ी मुश्किल होगा। अचानक से उसकी बहन वहाँ आ जाती है और पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है। केनिची हड़बड़ाने लगता है कि तभी उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उस किताब को पढ़ने लगते हैं और उन्हें सुनकर केनिची शर्मिंदा हो जाता है। उसके पापा उसे बताते हैं कि फुरिंजी का दिल जीतने के लिए उसे खुद से कुछ अलग करना होगा, जिसे सुनकर केनिची बोलता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उसके पापा उसे अपनी मम्मी की कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि कैसे जवानी में उसकी मम्मी हर रोज़ उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करती थी। ठीक तभी केनिची की मम्मी ढेर सारी चिट्ठियाँ ले आती हैं जो केनिची के पापा ने उन्हें लिखी थी और पढ़कर सुनाने लगती हैं, लेकिन तभी वो अपना सीक्रेट छिपाने के लिए उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं। जब रैग्नारॉक गैंग को तकीदा की हार के बारे में पता चलता है तब सूजी बॉक्सर पर भरोसा करने के लिए कजारा को ताने देने लगता है। वो भी केनिची के जिंदा होने की खबर सुनकर हैरान हो जाती है। एक मेंबर बोलता है कि अगर केनिची ने कोई दूसरी गैंग ज्वाइन कर ली तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, जिसे सुनकर कजारा उसे खत्म करने का फैसला करती है, जिस पर सूजी केनिची से अकेले ही निपटने को कहता है। बाद में केनिची उन दोनों लड़कों से माफी मांगने जाता है क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिससे उनका वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये केनिची का कोई प्लान होगा, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। डोजो में फुरिंजी के साथ प्रैक्टिस करते वक्त वो उससे बोलता है कि उसे उसको कुछ बताना है, लेकिन वो उसे प्रैक्टिस पर ध्यान लगाने को बोलती है और तुरंत ही उसे लात मारकर जमीन पर पटक देती है। फाइट के खत्म होने तक केनिची उसे डेट के लिए पूछने का अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो चुका होता है। उसके जाने के बाद वो मास्टर्स की सलाह लेने के बारे में सोचता है, लेकिन उसका यह प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है क्योंकि सगागे लड़कियों और पैसों को छोड़कर किसी भी चीज़ पर सलाह दे सकता है। अकेसेम डेटिंग एडवाइस को एक मैथ की क्लास में बदल देता है। एपचाई चूहों के साथ बात करने में व्यस्त होता है और केनसाई उसे सीधा फुरिंजी से डेट के लिए पूछने को बोलता है। केनिची घबराते हुए कहता है कि सीधा पूछने पर हो सकता है कि वो उसकी धुनाई कर दे। केनसाई उसे बताता है कि अगर वो फुरिंजी पर भरोसा नहीं कर सकता तो वो उसके साथ रिश्ता कैसे निभाएगा। केनिची बोल ही रहा होता है कि उसे फुरिंजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि तुरंत ही केनसाई एक फोटो एल्बम निकाल लेता है जिसमें फुरिंजी की ढेरों तस्वीरें होती हैं। शुरुआत में तो केनिची उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे एल्बम खरीद लेता है। ठीक तभी फुरिंजी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है और वो फटाफट एल्बम छिपा लेते हैं। फुरिंजी केनिची से बहुत प्यार से उसके साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछती है। एक रोमांटिक शॉपिंग डेट जैसा कि केनिची ने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि फुरिंजी उसे सिर्फ सामान उठाने के लिए लेकर आई थी। वो केनिची को बताती है कि वो उसे इसलिए लाई थी क्योंकि घर में और कोई भी काम का नहीं है और इधर काफ़ी समय से वो दोनों बिजी चल रहे हैं, इसलिए उसको केनिची के साथ थोड़ा समय भी बिताना था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। अचानक से उनका सामना सूजी और रैग्नारॉक गैंग के कुछ मेंबर से होता है। सूजी बोलता है कि उसे केनिची के साथ अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए फुरिंजी वहाँ से जा सकती है। लेकिन गैंग का एक गुंडा नाराज़ हो जाता है क्योंकि उनका असल मकसद केनिची को मारना है ताकि वो फुरिंजी को अपने साथ ले जा सके। सूजी उसकी फिजूल की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे हवा में घुमाकर कचड़े में फेंक देता है।
आखिर में गैंग के मेंबर्स कैनिची को लेकर वहां से चले जाते हैं और फुरिंजी फौरन अपचाई को कॉल लगाकर सामान ले जाने के लिए बोलती है और खुद गुंडों के पीछे चली जाती है। रास्ते में केंसाई भी फुरिंजी के पास आ जाता है और तुरंत कैमरा निकालकर गुस्से वाली फुरिंजी की तस्वीरें लेने लगता है। असलियत से रूबरू कराने के लिए केंसाई उसे बताता है कि सूजी कैनिची से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और पूछता है कि क्या वो कैनिची की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकती है। उसके बाद वो उसे बताता है कि कैनिची जैसे लड़कों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मदद करना बेकार और हानिकारक साबित हो सकता है। ये समझती हुई कि फुरिंजी को कैनिची की चिंता हो रही है, केंसाई उसे बोलता है कि वो छुपकर उसका पीछा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर छुपकर उसकी मदद भी कर सकते हैं। इधर सूजी कैनिची से उसका चेला बनने को कहता है क्योंकि उसको अपने अंडर में ताकतवर लोग चाहिए ताकि वो रैग्नारॉक गैंग में सबसे ऊपर जा सके। उसके लिए वही एक ताकतवर आदमी की निशानी है। लेकिन कैनिची उससे पूछता है कि क्या कोई फ्यूचर प्लान के बिना वो हमेशा एक गुंडा ही बना रहना चाहता है। ये सुनकर सूजी परेशान हो जाता है क्योंकि कैनिची असल में सच बोल रहा था। सूजी बोलता है कि फ्रीडम एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पर कैनिची बोलता है कि फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं कि वो दूसरों को परेशान करे, क्योंकि दूसरों को परेशान करने को अत्याचार कहते हैं। ये बोलने के बाद कैनिची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सूजी उसे एक मुकाबले की चुनौती देता है क्योंकि कैनिची ने उनकी फ्रीडम पर उंगली उठाई थी। कैनिची लड़ने के मूड में नहीं था, जैसे कि वो उसे लड़ भी पाता, लेकिन तभी सूजी उसे डरपोक बोलने लगता है। मुकाबला करने के लिए सूजी अपना कोट उतार देता है और बोलता है कि मर्द बातों से नहीं हाथों से लड़ते हैं। कैनिची उसे बेवकूफ़ बुलाने लगता है और ये सुनकर सूजी बौखला जाता है। वो कैनिची की ओर बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है और अपना मुक्का कैनिची के सिर की तरफ ले जाता है, लेकिन कैनिची तेज़ी से उसको डिफ्लेक्ट करके उसे एक दमदार मुक्का जड़ देता है। एक बार फिर सूजी उसकी ओर आता है और इस बार कैनिची उसकी छाती पर मुक्का मार देता है। फुरिंजी ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि असल में सूजी कैनिची से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। केंसाई बताता है कि मुकाबले का फैसला इससे नहीं होता कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। सूजी कैनिची को उसे एक और बार मुक्का मारने की चुनौती देता है। कैनिची को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके माथे पर मुक्का मार देता है, जिसके बाद उसका हाथ पूरा लाल पड़ जाता है। ये देखकर केंसाई बोलता है कि कैनिची का हारना लगभग तय है। सूजी मुकाबले में अपनी पकड़ बना लेता है और कैनिची के पैरों को जाम करके उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। फुरिंजी को कैनिची की चिंता होने लगती है और सूजी बोलता है कि या तो वो कमजोरों की तरह हारी मान ले या फिर खड़े होकर दोबारा से लड़े। कैनिची खड़ा हो जाता है और सख्त लौंडा बनने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लगता है। कैनिची उसके मुक्के को आते हुए देख लेता है और उस पर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उससे ज़्यादा तेज होता है और वो कैनिची के चेहरे पर एक दमदार उड़ता हुआ अपरकट मार देता है। केंसाई को डर था कि कैनिची को जल्द ही सूजी से हार और बेइज्जती दोनों का सामना करना पड़ेगा। फुरिंजी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन केंसाई उसे सब्र रखने को कहता है और चुपके से उसके संतरों की तस्वीर ले लेता है। सूजी कैनिची की ताकत का मजाक उड़ाने लगता है और कैनिची को खड़ा होने पर मजबूर कर देता है। उसे खड़े होते ही सूजी मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो अपना सिर उसके सिर पर दे मारता है। कैनिची पलटवार करने के लिए उसे लात मारता है, लेकिन सूजी उसे रोककर उसके पैर को पकड़ लेता है, जिस वजह से कैनिची डगमगा कर गिर जाता है। सूजी उसके चेहरे पर लात मार देता है और बोलता है कि वो सिर्फ दिखावे का मार्शल आर्टिस्ट है। डोजो में शिगर और अपचाई कैनिची की सुरक्षा के लिए एक पेड़ पर लकी चार्म डॉल लगा देते हैं। अगसेम बोलता है कि दादा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और अगले ही पल दादा दोनों को वहाँ से भगा भी देते हैं। इधर कैनिची अभी तक सूजी से मार खा रहा होता है और फुरिंजी उसकी मदद करने को बेताब थी, लेकिन केंसाई उसे कैनिची को उसकी लड़ाई खुद से लड़ने देने को कहता है। सूजी ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैनिची अभी तक डटा हुआ है और उसे उल्टा जवाब दे रहा है। सूजी के गुंडे भी कैनिची का कॉन्फिडेंस देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका भी डर था कि उनका बॉस अपने गुस्से के चलते उसे मार भी सकता है। कैनिची की बकबक खत्म करने के लिए वो अपने आखिरी मूव के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैनिची एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि फुरिंजी ने उसे सिखाई थी और सूजी को गिरा देता है। केंसाई सोचता है कि अब कैनिची उसे खत्म कर देगा, लेकिन कैनिची ऐसा करने से हिचकिचाता है और उतनी देर में सूजी उसके पैरों को लॉक कर देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। सूजी उस पर चढ़ जाता है और उसके पैरों को हद से ज़्यादा खींचने लगता है। फुरिंजी उसकी मदद करने के लिए बाहर कूदने ही वाली थी कि केंसाई उसे एक बार फिर रोक लेता है और दिखाता है कि उसे बचाने के लिए तकीदा वहाँ आ चुका है। सूजी उसका पैर तोड़ने ही वाला था कि तकीदा उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। गुंडे उसे बताते हैं कि उसने अपने सीनियर पर हाथ उठाकर गैंग का रूल तोड़ दिया है, हालांकि तकीदा उन्हें बताता है कि अब वो रैग्नारॉक गैंग में नहीं है। गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में उनका सफाया कर देता है। सूजी उसे धमकाता है, लेकिन तकीदा उससे बोलता है कि अगर वो अपनी सलामती चाहता है तो उसे दूर ही रहे। तकीदा कैनिची को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है और सूजी अपने गुंडों को उसके पीछे भेज देता है। वो काफ़ी देर तक उनका पीछा करते हैं और तकीदा हार ही मानने वाला होता है कि तभी केंसाई वहाँ आकर सिर्फ एक ही वार में लकड़ी के पुल को तोड़ देता है, जिससे सभी गुंडे नीचे नदी में गिर जाते हैं। फुरिंजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था और वो समझ जाती है कि केंसाई जितना दिखता है उसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तकीदा जल्दी से इलाज के लिए कैनिची को डोजो ले जाता है, हालांकि जब वो उठता है तो तीनों मास्टर्स की आंखों को देखकर उसे लगता है कि काश वो भी वहीं होता। अगसेम और बाकी सब उसे सूजी से हारने के लिए हड़काते हैं और शिगर उसे बच के रहने को कहती है क्योंकि स्कूल में सूजी उसका कचूमर बना देगा। कैनिची बहुत डर जाता है और फुरिंजी की मखमली छाती में अपना सिर सहलाने लगता है। फुरिंजी उसे बोलती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैनिची फिर से पिटने के ख्याल से सहम जाता है। कैनिची को मुकाबले के बाद के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो पूछता है कि वो डोजो कैसे पहुँचा। केंसाई उसे बताता है कि वो तकीदा था जो उसे वहाँ लाया और उसी ने उसे सूजी से बचाया। वो बोलता है कि उसे आगे से अपने हमले और भी ज़्यादा जल्दी और कड़े करने होंगे। स्कूल में कैनिची छुपते छुपाते घूमता है ताकि कोई गुंडा उसे ढूंढ न ले। निजीमा अचानक से आकर उसे डरा देता है और बताता है कि पूरे स्कूल को उसकी हार के बारे में पता है, जिसके थोड़ी देर बाद तीन सीनियर्स उसे ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करते हैं जब तक वो और आगे नहीं भाग सकता। हालांकि तकीदा एक बार फिर उसके अंगरक्षक की तरह वहाँ उसे बचाने आ जाता है और तीनों को धमका कर वहाँ से भगा देता है।
कैची उसे बचाने के लिए तकीदा को शुक्रिया बोलता है। तकीदा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने उसके बॉक्सिंग करियर को खत्म होने से बचाया है। तभी युगीता भी वहाँ आ जाता है और केनिची को लगता है कि उन दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई होने वाली है। लेकिन युगीता तकीदा को गैंग छोड़ने के लिए बधाई देता है और बोलता है कि चाहे जो हो जाए वो उसे गैंग के गुंडों से बचाएगा, हालांकि उसे आगे आने वाली चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। डोजो में अकासेम सभी मास्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाता है और एक नए ट्रेनिंग शेड्यूल को डिस्कस करता है जिससे केनिची एक लड़ाकू मशीन में बदल जाएगा। दादा पूछते हैं कि प्लान काम कैसे करेगा, जिस पर अकासेम बताता है कि सबसे पहले उन्हें केनिची को डोजो का एक परमानेंट सदस्य बनाना पड़ेगा और उसके बाद वो उसे इतनी ट्रेनिंग कराएंगे कि वो हिलने के लायक तक ना बचे। सभी मास्टर्स को ये आइडिया बेहद पसंद आता है और बेसब्री की वजह से उनकी आंखें चमकने लगती हैं। स्कूल के पूल में फुरिंजी पानी से बाहर आती है और सभी लड़कियां उसे देखकर जलने लगती हैं। वो दो लड़कियों के बगल से गुजरती है और वो सोचने लगती हैं कि उसकी जैसी बॉडी पाने के लिए वो क्या करें। इजुमी फुरिंजी को केनिची की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि उसका और केनिची का रिश्ता क्या है, क्योंकि क्लब के बाद वो हमेशा मिलते हैं, जिस पर फुरिंजी बोलती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। कपड़े चेंज करते वक्त फुरिंजी धोखे से बोल देती है कि केनिची अब से उसके घर रुकेगा। इजुमी ये सुन लेती है और पता लगाने का फैसला करती है कि असल में उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। केनिची उन दो गुंडों को ठिकाने लगा देता है जो उसका पीछा कर रहे थे और डोजो में वापस आकर ट्रेनिंग करने लगता है। वो अकासेम की देख रेख में वन हैंड पुशअप करता है और उसकी उम्मीद से जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो सोचने लगता है कि मास्टर्स उसके ऊपर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं। बाद में वो फुरिंजी के साथ मुकाबला करता है और वो आसानी से उसे नॉकडाउन कर देती है। सकाके बीच में आता है और फुरिंजी से केनिची के साथ आराम से पेश आने को कहता है, जिसे केनिची फिर से हैरान हो जाता है। देखने के बाद कि डोजो में सभी लोग उसके साथ इतनी अच्छे से पेश आ रहे हैं, केनिची को दाल में कुछ काला लगता है। केनिची अचानक से इसके बारे में अपचाई से पूछ लेता है और वो धोखे से बता देता है कि डोजो में कुछ खिचड़ी पक रही है। केनिची का शक हकीकत में तब बदल जाता है जब शिगर उसे भागने को कहती है। मास्टर के साथ की मीटिंग में वो उनसे पूछता है कि उसके पीठ पीछे क्या प्लान किया जा रहा है, जिस पर दादाजी उसे पूछते हैं कि क्या उसे रोजन पाकू पसंद नहीं है, जिस पर वो बोलता है कि हाँ उसे पसंद तो है। ये सुनकर अकासेम उसे बताता है कि आज से वो रोजन पाकू में ही रहेगा। ये सोचने के बाद कि उसकी ज़िंदगी वहाँ रहने के बाद कैसी हो जाएगी, केनिची वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अकासेम और सभी मास्टर उसे पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांधकर एक जगह बैठा देते हैं। वो चीखता चिल्लाता है और उन्हें खूनी बोलने लगता है कि तभी केनसाई एक अलग तरीका आजमाने का सोचता है। वो उसे वहाँ रहने के फ़ायदे गिनाता है और ये भी बताता है कि कैसे उसे फुरिंजी के साथ एक ही छत के नीचे रहने का मौका मिलेगा। केनसाई की बात सुनकर केनिची आसानी से मान जाता है और खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की इजाज़त लेने के लिए घर चला जाता है। घर पर पहले तो केनिची के पापा उसे डोजो में हमेशा के लिए रहने से मना कर देते हैं, लेकिन अपने बेटे की आंखों में छुपी हुई ललक को देखकर वो आखिरकार मान जाते हैं। उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और उसके जाते ही उसके पापा भी रोने लगते हैं। केनिची डोजो तक पहुंच जाता है लेकिन घुसने से पहले उन सभी चीज़ों के बारे में सोचता है जो अब वो फुरिंजी के साथ रहकर कर सकता है। तभी बीच में अकासेम आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और तभी फुरिंजी भी वहाँ आ जाती है और केनिची का अच्छे से स्वागत करती है। हालांकि जब वो डोजो में घुसता है तो आखिरी दरवाजे के पीछे खड़े सभी मास्टर्स उसका इतना अच्छे से स्वागत करते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अपचाई उसे उठाता है और सकाकी उसे बताता है कि अब से सभी चीज़ें उसके लिए बदल जाएंगी, जैसे कि अब से उसे उन्हें मास्टर्स कहकर बुलाना होगा। अकासेम उसे अगली ट्रेनिंग में जिंदा रहने को बोलता है, जिसे सुनकर केनिची सोचने लगता है कि उसे आखिरकार ऐसा क्या करना होगा। अकासेम उसे यह भी बताता है कि अब तक का जितनी कड़ी ट्रेनिंग उसने करी है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। केनिची डोजो से भागने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत ही दबोच लिया जाता है। उसकी ट्रेनिंग लगभग तुरंत ही शुरू हो जाती है और अकासेम आग को हवा करते हुए केनिची को उसके ऊपर पुलअप्स करवाता है। अकासेम बताता है कि वो उसे स्क्विड डांस बुलाता है। इस ट्रेनिंग का मकसद समझाते हुए वो बोलता है कि ये ट्रेनिंग उसे उसकी सीमाओं तक खींच देगी। अगली ट्रेनिंग के लिए शिगर उसके पास आती है और उसे एक पोजीशन में खड़ा करके उसके पूरे शरीर पर सेब रख देती है। वो उसे बिल्कुल भी ना हिलने को कहती है क्योंकि इस ट्रेनिंग से उसके साहस के बारे में पता चलेगा, जिसके बाद वो सभी सेबों को काट देती है और अकासेम पीछे से उसके नज़ारे लेता है। अगली ट्रेनिंग में सकाकी उसे हाथों के बल दौड़ाता है और बताता है कि उससे उसके कंधे मजबूत हो जाएंगे और उसके मुक्कों में ताकत आएगी। हालांकि अपचाई उसके साथ अपनी ट्रेनिंग में कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन हर बार की तरह केनिची रूम से उड़ता हुआ बाहर आता है। रात में केनिची बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसने जो भी फुरिंजी के साथ करने का सोचा था वो असल में हो भी पाएगा। वो तुरंत बाहर निकलने के टोटको की अपनी किताब पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मास्टर्स ने पूरे डोजो में नाकाबंदी करी हुई है। हालांकि उसे एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद वो वहीं रुकने का फैसला करता है। केनसाई उसके दर्द को समझ जाता है और उसे आधी रात में बाहर बुला लेता है और बताता है कि अब जो वो करने वाला है उसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसे डोजो के पीछे ले जाता है और बताता है कि वो उसे गर्म तालाब तक सभी जाल से बचा कर ले जाएगा, जहां वो लड़कियों को नहाते हुए देख पाएंगे। पूरी शिद्दत के साथ सभी जालों से बचकर और सभी कठिनाइयों को पार करके वो अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें फुरिंजी के पीले बाल तालाब में दिखाई देते हैं और दोनों से पहले देखने के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी दादाजी पानी से बाहर निकलकर उन्हें चौंका देते हैं जो शुरुआत से वहाँ पर अकेले थे। पहले तो वो दुखी हो जाते हैं लेकिन पानी में थोड़ी देर रहने के बाद उन्हें अच्छा लगने लगता है। केनिची के जाने के एक हफ्ते बाद उसकी बहन उसे इतना ज़्यादा याद कर रही थी कि वो अपनी मम्मी के साथ डोजो जाने के लिए खाने का सामान पैक करने लगती है और सोचती है कि केनिची उस डायन के साथ कितने मज़े से रह रहा होगा। अगली सुबह अकासेम केनिची को बहुत जल्दी उठा देता है और इस बार उसे टायर पर बैठे अकासेम को पीछे बांधकर खींचना होगा और साथ ही उसके चाबुक से भी बचना होगा। उसके बाद की उसकी ट्रेनिंग सकाकी के साथ होती है जो केनिची से उसे मुक्का मारने को कहता है। केनिची सकाकी की ओर निशाना लगाता है लेकिन सकाकी उसे एक दमदार लात मारकर उड़ा देता है। तभी फुरिंजी वहाँ आकर उन्हें नाश्ते के लिए बुला लेती है। बात किस्मती से मास्टर्स उसे नाश्ते के वक्त भी नहीं बख्शते और उसका खाना चुराने लगते हैं। बाद में वो फुरिंजी के साथ शॉपिंग पर जाता है और वो उसे बताती है कि उसके आने से उसे शॉपिंग करने में काफ़ी आसानी होती है, जिस पर वो बोलता है वो तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है।
हालांकि इधर भी मास्टर उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पैरों पर एक्स्ट्रा वेट लगा देते हैं। इस बीच केनिशी की बहन डोजो आ जाती है और सोचती है कि वो हमेशा बंजर क्यों पड़ा रहता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो इतना भारी होता है कि उसे लगता है कि दरवाज़ा बंद है। वो साइकिल का इस्तेमाल करके दीवार फाड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी एपचाई वहाँ आ जाता है, इसलिए वो तुरंत भाग कर खंभे के पीछे छिप जाती है। कुछ देर बाद उसे दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई देता है और वो चुपचाप अंदर घुस जाती है लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाती है। एपचाय तुरंत वहाँ आ जाता है और अच्छे से खुद का परिचय देता है लेकिन हनोका उस पर सामान फेंककर वहाँ से भागने लगती है। वो दोबारा से उसके रास्ते में आ जाता है और उसकी तरफ एक के बाद एक सामान फेंकती जाती है जब तक उसके पास सिर्फ एक पैकेट नहीं बचता। वो वहाँ से भागने का सोचती है लेकिन धोखे से दीवार से फिसल जाती है। हालांकि नीचे खड़ा एपचाय उसे बचा लेता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि डोजो में सभी लोग अजीब नहीं है। उसकी और एपचाय की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो केनिची को ढूंढने चले जाते हैं लेकिन डोजो में वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी शिगर का चूहा हनोका के बैग से आखिरी पैकेट भी ले जाता है। जब वो शिगर से मिलती है तब उसे केनिची का मकसद समझ आने लगता है। बाद में एपचाय और शिगर को हनोका के लिए नाश्ता ढूंढने में परेशानी होती है, इसलिए वो उसके लिए एक अजीब सी चाय बना देते हैं। हनोका उस चाय को देखकर सदमे में आ जाती है, इसलिए वो उन्हें चाय बनाना सिखाती है, जिसे देखकर वो उसे भगवान समझने लगते हैं। दिन भर की थकावट के बाद जब केनिची थका हारा डोजो वापस आता है तो अपनी बहन को वहाँ शिगर और एपचाय के साथ खेलते हुए देखता है। हनोका फौरन केनिची को गले लगा लेती है लेकिन केनिची उसे डांटते हुए बोलता है कि उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो कराटे में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि फुरिंजी उसे कहती है कि वो जब चाहे तब वहाँ आ सकती है लेकिन हनोका उसे जलन के मारे घूटने लगती है। बाद में कसम उसे ट्रेनिंग के लिए बुला लेता है और इस बार उसे फुरिंजी के साथ मुकाबला करना है। उनका मुकाबला देखने के बाद हनोका फुरिंजी को अपने भाई से दूर रहने की धमकी देने लगती है लेकिन फुरिंजी उसे गले लगाकर शांत कर देती है। आगे केनिची एपचाय के साथ ट्रेनिंग करता है और जमीन के अंदर धंस जाता है। ये देखकर हनोका रोने लगती है, इसलिए एपचाय उसे शांत कराते हुए बोलता है कि उसके भाई के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसकी आखिरी ट्रेनिंग अकसेम के साथ होती है और ये देखने के बाद कि उसका भाई कितनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है, वो अकसेम से रुकने की भीख मांगती है ये बोलते हुए कि वो ट्रेनिंग के नाम पर उसे सिर्फ बेरहमी से पीट रहे हैं। लेकिन तभी हनोका केनिची के चेहरे को देखती है और उसे याद आता है कि बिल्कुल ऐसा ही डिटर्मिनेशन केनिची के चेहरे पर तब था जब उसने बदमाशों से उसे बचाया था। उसे समझ आ जाता है कि वो सच में सिर्फ उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि केनिची में उन्हें वो ललक दिखाई दी है। रात में जाते वक्त केनिची उसे वहाँ आने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसे पिटते हुए देखे, इसलिए वो वादा करती है कि वो उसे मिलने नहीं आएगी। हालांकि अगले ही दिन वो फिर से वहाँ आ जाती है और एपचाय और शिगर के साथ खेलने लगती है। जब केनिची उसे डांटता है तो वो बताती है कि उसका वादा सिर्फ उससे ना मिलने का था, वहाँ आने का नहीं, जिसके बाद से वो हमेशा शिगर और एपचाय से मिलने आती रही। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।